cuties. Welcome to my home and studio space. I cannot believe मैं ये बोल रही हूँ. जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी मैंने सोचा भी नहीं था दैट मैं एक अलग स्पेस रेंट करूंगी फॉर माई वर्क एंड दिस विल बी माई फुल टाइम थिंग. I'll actually रन अ बिजनेस थ्रू दिस. But yes, we are here. All thanks to you guys. Thank you for all the love and support. Lots and lots of love. Before getting a little more emo, let's just see how my studio looks. I will take you around. So let's go. So this is my living room. So मैंने ये वॉल पे मोल्डिंग कराई है. आई एम प्लानिंग टू कीप लाइक क्रिएट लाइक अ लिविंग रूम सेटअप हियर. यहाँ पे एक सोफा वगैरह रखने का प्लान है, एक लैम्प रखूंगी और ये बहुत ही कोजी सेटअप होगा. देन वी हैव दिस सेटअप. सो आई एम प्लानिंग टू कीप लाइक अ स्टडी स्पेस हियर. एक चेयर होगा एंड देन देयर विल बी अ बुक शेल्फ. ये मेरा थॉट प्रोसेस है फिलहाल. लेट्स सी हाउ इट गोज. बट आई थिंक ये कोजी एक कॉर्नर बहुत अच्छा लगेगा. देन वी हैव वन मोर वॉल जहाँ पे मैं एक थर्ड सेटअप प्लान कर रही हूँ क्रिएट करने का. दिस इज दैट वॉल. सो ये वॉल पे मैं सोच रही हूँ आई हैव अ फ्यू केन फर्नीचर इन माइंड. सो ईदर आई विल हैव अ केन वैनिटी हियर और अ केन शेल्फ which will just give a very earthy vibe to the house. So let's see how it goes. अभी फिलहाल तो 3 से 4 setup ऐसे corners के plan है मेरे for my living room. Let's see the other rooms. This is my kitchen जहाँ मैं hardly कुछ cooking करने वाली हूँ but शायद कुछ DIY video shoot करूँगी. Basically kitchen सिर्फ उसके लिए use होगा and tea, coffee वगैरह वगैरह. Then we have my washroom number 1 here. This is a common washroom. Now we have my room number 1. ये मैं plan कर रही हूँ मेरा wardrobe setup रखने यहाँ पर and my office space. I always wanted a desk for me and my team. So अब मेरा plan है कि वो मैं यहाँ करूँगी. So this is the area where I'm planning to keep like a proper office table with chairs for me and my team. जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, edits कर सकते हैं. यहाँ पे मेरा एक छोटा सा वार्डरोब सेटअप आएगा टू डंप एंड स्टोर ऑल माय आउटफिट्स. देन वी हैव दिस वॉल. आई थिंक मुझे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ. तो यहाँ पे आई एम प्लानिंग टू कीप माय वैनिटी सेटअप जहाँ पे मैं मेरे सारे मेकअप और स्किन केयर, मुझे बहुत सारे ब्रांड हैम्पर्स आते हैं, वो यहाँ रख दूंगी. एंड दिस इज माई क्यूट सा टेम्पल जो मैंने अभी लाया है. ये मैं ऊपर वॉल पे लगाऊंगी एंड यहाँ पे टेम्पल रहेगा. फिर मुझे कुछ और थोड़े शिव जी की मूर्ति वगैरह लेनी है, वो यहाँ आ जाएगा. एंड दिस विल बी माई टेम्पल एरिया. तो मैं पूजा वगैरह यहाँ करूँगी. सो येस, दिस इज माई ऑफिस स्पेस. लेट्स गो टू रूम नंबर 2. ये है रूम नंबर 2. दिस इज गोइंग टू बी माई मेन स्टूडियो स्पेस जहाँ पे मैं सारे फैशन शूट्स करूँगी. ओके, आई एम सो एक्साइटेड. सो मैंने इतने टाइम से फैशन शूट ज़्यादा नहीं किए बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ सेटअप इन माइंड एंड मेरे घर पे वो सेटअप हो नहीं रहा था. बट यहाँ वो हो चुका है. मैंने इस वॉल में भी मोल्डिंग कराई है. आई हैव वुडन फ्लोरिंग हियर. सो मेरे फैशन वीडियोज अच्छे से शूट हो सकते हैं यहाँ पे. सो येस, दिस इज वन वॉल फॉर माई फैशन वीडियोज. यू गाइज आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ फैशन कॉन्टेंट. एंड यहाँ पे आई हैव अ प्लान टू पुट ऑर्गेन्जा व्हाइट कर्टन्स ताकि वो बहुत ही रॉयल ऐसे फिनिश आए. दिस वॉल विल हैव माई फुल लेंथ मिरर. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो यू माइट हैव सीन कि मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ आउटफिट ऑफ द डे पिक्चर्स लेने के लिए बिकॉज द मिरर दैट आई हैव राइट नाउ इज नॉट फुल लेंथ. बट वील फाइनली हैव अ फुल लेंथ मिरर हियर. फिर मैं वहाँ पिक्चर्स क्लिक करूँगी. यू विल ऑल्सो गेट आउटफिट ऑफ द डे अपडेट्स. फिर ये वॉल अभी के लिए तो मैं ऐसे ही स्पेस खाली छोड़ने का सोच रही हूँ. आई हैव टू थिंक कि मैं यहाँ क्या सेटअप कर सकती हूँ. सो दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर स्टूडियो स्पेस. यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रॉप्स होंगे एंड आई हैव ब्लैंक स्पेसेस टू वर्क अराउंड. वी हैव वॉशरूम नंबर 2 हियर. दिस इज अ मास्टर बेडरूम इसलिए यहाँ पे भी एक वॉशरूम है. आई एम नॉट शोइंग द वॉशरूम बिकॉज आई एम वेरी श्योर यू डोंट वांट टू सी दैट. But you will see that as well in my hair washing videos because I'm going to use that for that. So yes, that's all. This is my room number 2.
आई होप यू गाइज लाइक इट. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर होम डेकोर एंड होम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज. इफ यू हैव एनी ब्रांड्स इन माइंड जो मुझे अच्छा फर्नीचर्स वगैरह दे सकते हैं, हु कैन हेल्प मी ट्रांसफॉर्म दिस स्पेस, लीव देयर हैंडल इन द कॉमेंट्स बिलो. योर हेल्प विल मीन द वर्ल्ड टू मी बिकॉज मुझे ये बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्म करना है. ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू सी एनी सच मोर वीडियोज रिलेटेड टू माई हाउस बिकॉज मैं बहुत ही प्लानिंग करके हर एक वॉल हर एक कॉर्नर ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ. इफ यू वॉन्ट टू सी द जर्नी लाइक द एंटायर जर्नी आई विल बी हैप्पी टू व्लॉग दैट फॉर यू. So leave that also in the comments below if you are interested. That's all for today. Thank you so much for seeing my cute su ghar ka office ka tour. See you guys next time. Bye.